कहानी है पहाड़ों के जंगल में रहने वाले पक्षियों की। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया रहती थी जो बड़ी गरीब थी। उसी जंगल में गोरी और कालू का ढाबा हुआ करता था। वो एक दिन कबूतर से कह रहे थे कि भाई हमारे ढाबे के लिए एक अच्छा भोजन बनाने वाले का प्रबंध कीजिए, क्योंकि हमारा पहला पक्षी वापस पर अपने देश चला गया है। कबूतर के मन में ख्याल आता है कि हाँ, मैं एक ऐसे पक्षी को जानता हूँ, उसका नाम टुन्नी है। वो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वो तुम्हारे ढाबे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। क्या मैं उसको कल आपके पास ले आऊँ? कबूतर टुन्नी को कालू और गौरी के पास ले आता है। कालू टुन्नी से पूछता है, तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? तब टुन्नी से कहती है, मुझे अच्छे अच्छे समोसे और बर्गर, और मैं छोले कुलचे तो बना ही लेती हूँ, साथ मेरा डोसा भी बड़ा स्वादिष्ट बनता है। कालू कहता है, ठीक है, कल से तुम हमारे काम पे आ जाओ। अगले दिन चिड़िया सुबह बेचारी अपने बच्चों को घर में छोड़कर कालू के ढाबे पे आ जाती है। रोजाना इस तरीके से ही काम करते करते जब सब पक्षियों को पता चला कि कालू के ढाबे पर एक नया कुकर आया है, तब से कालू के ढाबे पर भीड़ लग गई, क्योंकि उन्हें बड़ा ही स्वादिष्ट खाने को जो भोजन मिला, सब टुन्नी की तारीफ करने लगे। चारों तरफ टुन्नी का नाम होने लगा। टुन्नी वह काम कर कर वापस अपने घर आती तो वो खुश रहती, क्योंकि धीरे धीरे टुन्नी का काम अच्छा हो गया तो उसके बच्चे भी खुश रहने लगे। उसके बच्चे भी अब भूखा नहीं सोते थे, क्योंकि टुन्नी उनके लिए भी अच्छा अच्छा भोजन लेकर आती थी। ऐसे होते होते कालू और गोरी के ढाबे का नाम तो रोशन हो ही गया, साथ ही साथ चारों ओर टुन्नी का नाम भी प्रसिद्ध हो गया कि कालू और गोरी के ढाबे पे जो टुन्नी है ना, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। सभी पक्षी रोज आते और खाना खाते। समय से पहले ही बनाया हुए खाने का भंडार खत्म हो जाता। ये देखकर कालू और गोरी बड़ा खुश हुए। एक दिन जब शाम के समय सब काम खत्म हो गए तो गोरी कालू से कहती है कि हमारे ढाबे का नाम हो गया। तब कालू कहता, हाँ भाई, ये बात तो है, टुन्नी ने बड़ा ही अच्छा काम कर दिखाया, अब तो हमारे पास दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। तब गोरी कहती है, अरे एक फ़ायदा हो सकता है, क्यों ना मैं टुन्नी से काम सीख लूँ, उसके बाद हम टुन्नी को अपने ढाबे से हटा देंगे और जो पैसा हमें टुन्नी को देना पड़ रहा है वो भी हमारी बचत में रहेगा। ऐसा सोचकर कुछ दिनों बाद गोरी ने टुन्नी से कहा, देखो टुन्नी, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, मैंने खाना बनाना सीख लिया जैसे कि तुम बनाती हो, अब तुम वापस अपने घर जाओ, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा हिसाब किताब सब शाम तक हो जाएगा। ये सुनकर टुन्नी बड़ी दुखी हुई। टुन्नी घर जाती है, घर जाकर अपने बच्चे से बात करती है। तब उसकी बेटी कहती है, अरे मम्मा, खाने बनाना कोई आम बात थोड़ी ही ना है, तुमने तो वैसे भी अपना नाम कर लिया, अगर वहाँ पर गोरी और कालू का नाम होता है तो सब आपको भी तो जानते हैं, क्यों ना आप अपना काम की शुरुआत करें, अपने घर के सामने ही हम छोटा सा ढाबा बना लेते हैं। टुन्नी के दिमाग में बात आ गई, कहने लगी, ठीक है, हम अपने घर के ही बर्तनों से काम शुरू करते हैं। काम करते करते जब जंगल में ये बात फैल गई कि गोरी और कालू के रेस्टोरेंट से टुन्नी को बाहर निकाल दिया गया, जो भी पक्षी कालू के ढाबे पे जाता, खाना खाता, उन्हें वो स्वाद ही नहीं आता जो स्वाद टुन्नी के हाथों में था। ऐसे दिन पे दिन कालू और गोरी को नुकसान होने लगा। वो जितना भी खाना बनाते सभी पक्षी ऐसे ही चोंच मार कर छोड़ जाते और उसका पूरा खाना बिरान हो जाता। एक दिन उसी जंगल में मैना ने बोला, अरे मैंने सुना है
टुन्नी ने अपना काम शुरू कर दिया। सभी पक्षी ये देखने के लिए जैसे ही वहाँ आते हैं तो उन्हें टुन्नी के समोसों की जो खुशबू है वो खींच लाती है। सभी पक्षी समोसा खाने लगते हैं। अगले दिन से टुन्नी के ढाबे पर भीड़ लग जाती है। देखकर टुन्नी बड़ा खुश होती है। अगले दिन गोरी कालू से कहती है कि हमें टुन्नी को वापस ढाबे पे बुला लेना चाहिए, नहीं तो हम इस तरह बर्बाद हो जाएंगे। कालू कहता है ठीक है, अब तुम ही टुन्नी के पास जाओ। वो टुन्नी के पास आती है तो देखते ही आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि टुन्नी का ढाबा तो उनके ढाबे से भी अच्छा चल रहा था और भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तब गोरी टुन्नी से कहती है तुमने अपना काम शुरू कर लिया। गोरी को टुन्नी कहती है हाँ भाई, तुमने तो बीच रास्ते से ही निकाल दिया, तुमने तो हमें बीच में ही निकाल दिया, हम भी बर्बाद हो जाते अगर मेरे हाथ में ये खुशबू और स्वाद ना होता। खैर मेरा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है, आओ बैठो, तुम भी कुछ समोसे वमोसे खाओ, चाय पियो। तब गोरी कहती है नहीं, तुम्हें तुम्हारी चीज़ मुबारक हो। ऐसा कहकर पछताते हुए वो वापस कालू को आकर सारी बातें बताती है। तब कालू कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती की है गोरी, साथ उसका भी भला हो रहा था और हमारा भी, तुम्हारे दिमाग की वजह से अब हम कहीं के नहीं रहे। अब गोरी बड़ा पछता रही थी क्योंकि अब उसके बस में कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही दिन ब दिन टुन्नी तरक्की करते चली गई और उसकी मेहनत रंग लाई। इसी तरीके से हम सबको ही ये सीखना चाहिए कि ज़्यादा पैसे को देखकर हमें अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर गोरी टुन्नी को बाहर ना निकालती तो गोरी और टुन्नी मिलकर एक दिन इतिहास रच सकते थे, लेकिन टुन्नी को बाहर निकालने से गोरी को नुकसान हुआ, किंतु टुन्नी को तो बड़ा फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से जिसके हाथों में कला होती है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। सामने वाले को उसका सम्मान करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक बहुत अच्छी कहानी के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।